इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत के स्वाभिमान के साथ जीना रहना पड़ेगा। गद्दार लोग अगर हैं तो इनका तो वोटिंग राइट छोड़िए, इनको तो रहने का अधिकार छीन लेना चाहिए। उनके लिए झुंझुना होगा। हमने बिहार को किस हाल से कहां तक पहुंचाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बीते दिनों पहले जिस तरह से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुसलमान समाज को लेकर एक बयान दिया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इन लोगों का वोटिंग राइट ही छीन लेना चाहिए, जिसके बाद आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई में विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया है और उन्होंने राजभवन मार्च भी निकाला है। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय कुमार सिंह, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस बयान को पहले आप किस रूप में देख रहे हैं। ये बयान एकदम सही है। हमारा बिल्कुल कहना है कि जिसको राष्ट्रीयता जिसके भाव में नहीं है, जो राष्ट्रीय भाव से नहीं जी रहा है, उसको इस देश में रहने का अधिकार क्या है, वोटिंग राइट क्या, उसको रहने का अधिकार नहीं है। वोटिंग राइट तो समाप्त किया ही जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमको किसी के पूजा पद्धति से बैर नहीं है, लेकिन पूजा पद्धति की आड़ में अगर कोई इस देश की राष्ट्रीयता को, इस देश के वैभवशाली इतिहास को मिटाने का प्रयास करेगा, उसके साथ कुछ भी होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि मंदिर में गूंजे वेद मंत्र और गुरुद्वारों में अरदास फले, गिरजाघर में हो बाइबिल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले, इससे ना हमको ऐतराज, इसका ना कोई गम होगा। पर गद्दारों के साथ यहाँ जो कुछ भी होगा कम होगा। ये गद्दार लोग अगर हैं तो इनका तो वोटिंग राइट छोड़िए, इनको तो रहने का अधिकार छीन लेना चाहिए। पर जितने भी विपक्ष के विधायक हैं उनका कहना है कि अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। नहीं नहीं, टारगेट क्या किया जा रहा है, मुंबई के बम ब्लास्ट होते हैं उसमें किन लोगों के नाम आते हैं, अहमदाबाद में बम ब्लास्ट के अभी लोगों पर कोर्ट ने आरोप सिद्ध किया है, वो लोग कौन लोग हैं, ये तो उनको सोचना है कि आखिर उन्हीं लोगों के नाम क्यों निकलते हैं इन सब अराष्ट्रीय गतिविधियों में, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उन्हीं के नाम क्यों आते हैं, ये उनके लिए विचार का प्रश्न है। पर विपक्ष के विधायक सड़क पे उतर गए हैं, राजभवन मार्च कर रहे हैं और बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे हैं वो कहीं भी जाएं, हम सब लोग अपने मुद्दे पर, अपनी बात पर अडिग हैं। इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत के स्वाभिमान के साथ जीना रहना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आज सर बिहार विधानसभा में बजट पेश हुआ है, विपक्ष के विधायक बता रहे हैं ये झुंझुना है, उनके लिए झुंझुना होगा। हमने बिहार को किस हाल से कहां तक पहुंचाया है। बिहार में सड़कें नहीं थी, बिहार में पुल नहीं थे, बिहार में हॉस्पिटल नहीं थे, बिहार में विद्यालय नहीं थे। आज जा करके देखिए कैसी चमचमाती हुई बिल्डिंगें हैं, कैसे चमचमाते हुए अस्पताल हैं। कल रोगी 5 नहीं जाते थे सदर अस्पतालों में, आज 500 प्रतिदिन रोगी जा रहे हैं। ये बदलाव आया है, उनके लिए ये झुंझुना हो सकता है, लेकिन बिहार की जनता समझती है कि कौन लोग बिहार का विकास कर रहे हैं और आज उसी के कारण बिहार के लोगों ने पुनः हम सब लोगों को जिता करके बिहार की विधानसभा में भेजा है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय कुमार सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों का जो वोटिंग राइट है वो तो छीन ही लेना चाहिए। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।